जी मैं हूं एहसान कुरैशी और आप देख रहे हैं A24 न्यूज़। आपके दिमाग का बल्ब होना जाए फ्यूज, देखते रहें A24 न्यूज़। चारों तरफ है जिसका शोर, उसे ही तो कहते हैं A24। देख रहे हैं ना, प्यार से देखते रहिए। थैंक यू। फेस्टिवल जब पिछले साल हमने शुरुआत की थी तो आप खुद जानते हैं कि किस तरीके का रिस्पांस उसे मिला था। को देखना जो चाहते हैं लोग, उनकी तादाद कितनी बड़ी है। हम पिछले साल देखे थे कि हर रोज हमारे पास 10,000 से 12,000 लोग ये मैचेस देखने के लिए आते थे। अब सेकेंड सीजन शुरू हो रहा है 2 तारीख से, 2 जनवरी से, और पिछले साल की तरह इस बार भी हमने क्रिकेट टूर्नामेंट रखे हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट रखे हैं, मुशायरा और कवि सम्मेलन है, साथ ही साथ दूसरे ग्राउंड के ऊपर बाजू में ही फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। हमने फूड फेस्टिवल के अंदर देखा था कि कितनी सारी हमारी फैमिलीज जो है वो शाम में आके अपना यहाँ पर वक्त बिताती थी, उन्हें अच्छा लगता था कि इतने सारे फूड स्टॉल्स हैं। वो रिस्पांस को देखकर हमने इस बार है तो फूड वैरायटी भी बहुत ज़्यादा चेंज किए हैं, अलग अलग जगहों से अलग अलग डिशेस जो वहाँ की मशहूर है उन लोगों को भी बुलाया है। तो अगर कोई फैमिली आ रही है और किसे खाने में दिलचस्पी नहीं है तो आके मैच देखेगा, और जो फैमिली मेम्बर्स है वो जाके फूड फेस्टिवल के अंदर इंजॉय करेंगे। तो एक बहुत अच्छा इवेंट यहाँ पे आप सबकी मदद से, यहाँ पे खेल शौकीनों के खिलाड़ियों को एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पर मिल रहा है। ये टूर्नामेंट में खेलने के लिए कितने सारे क्रिकेटर्स और कितने सारे फुटबॉलर्स पिछले कई महीनों से मेहनत कर रहे हैं कि वो क्वालिफाई करे करके कि उनका सिलेक्शन हो जाए इस IJ फेस्टिवल के अंदर खेलने के लिए। तो एक अच्छी एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। पिछले साल हमने इस इवेंट के साथ हमने एक सामाजिक संदेश कि हम सिर्फ यहाँ पर खेल खेल रहे हैं, फूड फेस्टिवल कर रहे हैं, वैसा नहीं है। हमने पिछले साल एक थीम लेकर चले थे कि नशा मुक्त औरंगाबाद करना करके, वो थीम को हम आज इस साल भी हम जारी रखेंगे। और साथ ही साथ इस बार जो है हमने एक अलग नारा दिया है, मेरा शहर मेरा गुरूर। बेसिकली हम कम्युनल हार्मनी, यहाँ की एकता जो है उसके ऊपर भर देते हुए सभी लोग आए यहाँ पर इंजॉय करें, क्रिकेट मैचेस, फुटबॉल मैचेस देखें। और इस बार हमने एक अलग जो इंतज़ाम किए हैं कि हमने देखा है कि यहाँ के जो खिलाड़ी है वो बुडी लाइन का हो सकता है, वो उस्मानपुरे का हो सकता है, बेगमपुरे का हो सकता है, लेकिन किसी के भी घर वालों की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा मैदान में खेल रहा है, इतने सारे लोग उसको तालियां बजा रहे हैं। तो हमने इस बार जो है एक लेडीज का सेपरेट एक्सक्लूसिव स्टैंड हमने तैयार किया है, और उसमें जो खिलाड़ी रहेंगे या जिनको खेल में दिलचस्पी है वो लोग आ सकते हैं, उन लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव स्टैंड बनाया गया है। तो एक अच्छा इवेंट आप लोगों के लिए आ रहा है, आप लोगों का भी साथ चाहिए और इंजॉय करिए। मेरी ख्वाहिश ये है कि इस ग्राउंड से बड़े चेहरे तैयार हो करके, जो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं उन्हें यहाँ पर लेकर आने की बजाय मैं चाहता हूँ कि बुडी लाइन के इस आमखास मैदान से अच्छे अच्छे क्रिकेटर्स तैयार हो, अच्छे अच्छे फुटबॉल तैयार हो, और हमें सबको ये फख्र होना चाहिए कि हमारे इस ग्राउंड के ऊपर खेला हुआ लड़का आज है तो स्टेट की टीम में खेल रहा है, आज देश की टीम के लिए खेल रहा है। तो हमारी कोशिश ये है कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने का ये था। देखिए मैंने पहले से ही ये वादा किया था कि हम यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का है तो हम एक स्टेडियम बनाना चाहते हैं, उस और हमने बहुत आगे अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चुके हैं। दिक्कत ये आई है इसके अंदर कि जब ये मैदान के पेपर्स देखा गया तो इसके ऊपर बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने दावा ठोक दिया, कोई कहता है हमारा है, कोई कहता है ये हमारा है करके, और इन्होंने कोई गलत तरीके से अपने पेपर्स देख के सिटी सर्वे ऑफिस के अंदर इन्होंने पूरों ने अपना नाम चढ़ा लिए है। अब बीच में एक बात निकली थी कि साहब यहाँ पर हमको एक हॉस्पिटल बनाने के लिए हम जगह, मैं बोला 1 इंच भी तुमको खोदने नहीं दूंगा करके यहाँ पे मैं, क्योंकि ये मैदान जो है ये मैदान खिलाड़ियों के लिए है, ओपन ग्राउंड है, और यहीं पे स्टेडियम बनाने का हमारा जो कोशिश है वो बहुत आगे जा चुकी है। अभी बीच में कलेक्टर साहब के पास मीटिंग हुई थी, माइनॉरिटी सेक्रेटरी मुंबई से ज्वाइन किए हुए थे, और हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है अब्दुल सत्तार साहब, उन्होंने ये मीटिंग को कन्वीन किए थे। उस मीटिंग के अंदर बड़े डिटेल के अंदर चर्चा हुई थी कि क्या करना चाहिए, तो सबसे रिपोर्ट मांगी गई थी, वो रिपोर्ट
अब मुंबई को भेजी गई है, अब गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इसका डिस्कशन होना है। मैंने 2 दिन पहले ही सत्तार साहब से इस बारे में बात किया था। उनका ये कहना है कि ये फेस्टिवल जैसे ही ख़त्म होता है तो उसके फौरन बाद हम हज हाउस का भी इनॉग्रेशन करेंगे और इसी मैदान के ऊपर यहाँ पर मुख्यमंत्री को लाकर इस स्टेडियम की भी घोषणा करने की हमारी कोशिश चल रही है। मैंने गवर्नमेंट को यही कहा है कि साहब आपको है तो सिर्फ हमको पेपर्स देने का है, इसके लिए कितना करोड़ों रुपए का फंड लगेगा, वो करोड़ों रुपए का फंड लाने की जिम्मेदारी मैंने लिया हूँ केंद्र सरकार से। अनुराग ठाकुर जो मिनिस्टर है, मैंने उनसे कहा है कि साहब ये इसके लिए आपको हमारी मदद करना है, उन्होंने मुझे अश्योर किया है। सिर्फ पेपर्स एक मरतबा क्लियर होने के बाद दिक्कतें थी, अगर पहले ही अगर मतलब कई साल पहले अगर इसकी कोशिश अगर शुरू हो जाती थी तो मेरे हिसाब से आज इतनी दिक्कतें नहीं आती थी। पेपर क्लियर होते ही हम इंशाल्लाह, कुछ हद तक तो हुआ है। देखिए जब आप इस तरह के इवेंट लेते हैं तो प्रशासन के ऊपर पुलिस के ऊपर भी एक दबाव बनता है कि आप जब डेली यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके होर्डिंग्स लगे हुए हैं, आपके हर जगह के ऊपर नशा मुक्ति के ऊपर लोग आ रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो, आईजी हो, जितने भी लोग आए हैं हमने सबसे उनसे अपनी राय लिए थे कि भाई नशा मुक्ति होनी चाहिए। पुलिस के पूरे वरिष्ठ अधिकारी आती है तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी ये दबाव आता है कि भाई हमको ये जहर को खत्म करना है करके। मैं ये दावा तो नहीं करता हूँ कि पूरी तरीके से खत्म हो गया है करके, और वो खत्म होना भी मुश्किल है क्योंकि जब तक है तो समाज जागरूक नहीं होगा, जब तक है तो अपने इलाके के नौजवान लड़के बेदार नहीं होंगे कि साहब इस घर के अंदर, इस गली के अंदर यहाँ पे नशे का कारोबार हो रहा है, इसको बंद कराना चाहिए। तो अपने अपने लेवल के ऊपर हर एक की ये कोशिश रहनी चाहिए। आगे और भी इसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है और यकीनन हम सब, आप लोगों का साथ रहा तो बिल्कुल 100। तो मैंने स्पोर्ट्स के ताल्लुक से हमेशा ये कहा है कि मतलब इलेक्शन के वक्त इलेक्शन, राजनीतिक पार्टियों का मतभेद जो है वो इलेक्शन के वक्त होना चाहिए। ये तो खिलाड़ी ही है और यहाँ पर लोग खेलने के लिए आते हैं, तो मैंने कभी भी मतलब इसको पॉलिटिकल इवेंट नहीं बताया है कि भाई इसके अंदर हम हमारा राजनीतिक हमारे पार्टी की तरफ से कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मेरी भी ख्वाहिश है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के, पिछले साल है तो सीएम साहब का लड़का जो एमपी है श्रीकांत शिंदे वो यहाँ पर आकर गए थे, एनसीपी के मेरे एमपी जो सहयोगी है अमोल कोले वो आकर गए थे, तो राजनीतिक ये नहीं है। मैं आज भी तमाम जिले के, राज्य के जितने भी बड़े नेता है अगर इस दौरान अगर वो आ रहे हैं औरंगाबाद में, तो आइए थोड़ा आप भी इंजॉय करिए और थोड़ा खिलाड़ियों की आप भी हौसला अफजाई करिएगा।